हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन। तो मैंने बताया परम्यूटेशन में प्रॉब्लम नंबर और वर्ड से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी नंबर से। तो नंबर में भी प्रॉब्लम दो टाइप के होते हैं, एक नॉन जीरो होते हैं, एक जीरो होते हैं। तो ये जो नॉन जीरो टाइप के प्रॉब्लम है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसका आंसर मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करूंगी, आप देख सकते हैं। हाउ मेनी वेज अ थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4। तो परम्यूटेशन एक्चुअली क्या होता है? परम्यूटेशन है, आपके पास n ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहता है जिसमें से आप r ऑब्जेक्ट उठाते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो आपको n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है टेकिंग r एट ए टाइम। तो n होता है अवेलेबल ऑब्जेक्ट और r होता है किस हिसाब से आप अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका n क्या है? हाउ मेनी वेज थ्री डिजिट नंबर, मतलब एक थ्री डिजिट नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो आपका हो जाएगा n, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4। ये जो 1, 2, 3, 4 है वो है यहाँ पे जो आपका थ्री डिजिट नंबर है, हाउ मेनी वे अ थ्री डिजिट नंबर कैन बी अरेंज यूजिंग 1, 2, 3, 4। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट अवेलेबल हियर? 1, 2, 3, 4, चार ऑब्जेक्ट अवेलेबल है आपके पास, तो वो है आपका n और टेकिंग r एट ए टाइम, मतलब चार ऑब्जेक्ट में से आप थ्री डिजिट फॉर्म करने के लिए कितना एक साथ ले रहे हैं? तीन एक साथ ले रहे हैं, तो थ्री हो जाएगा आपका आर और एन हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे परम्यूटेशन कैलकुलेट करते हैं NPR, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, तो हमारा क्या होगा? n क्या है? 4 है, p r 3 है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 24। अभी आपको समझ में आ गया होगा, आप ज्यादा क्लियर होंगे जब आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी वेज अ टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस? तो कितना नंबर अवेलेबल है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 अवेलेबल है, तो n इक्वल टू 5 है। और 5 में से हम लोग कितना डिजिट नंबर बना रहे हैं? टू डिजिट नंबर, तो पीकिंग 2 एट ए टाइम, तो हो गया r। तो अगर हम लोग NPR लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारा कितना हो रहा है? 5P2 हो रहा है, ठीक है। तो 5P2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। लेकिन और एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन ऑफ 2। कितने टाइम हुआ है? 2 टाइम हुआ है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा परम्यूटेशन में, अगर एक वर्ड या फिर एक लेटर या फिर एक नंबर जो जिसके लिए भी आप परम्यूटेशन निकाल रहे हैं, वो अगर रिपीटेडली प्रेजेंट है, तो आपको फॉर्मूला लिखने के बाद उससे आपको डिवाइड करना है द नंबर ऑफ टाइम द पर्टिकुलर वर्ड और द न्यूमेरिक वैल्यू इज रिपीटेड। तो यहाँ पे दो बार रिपीट है, तो इसीलिए फॉर्मूला लिखने के बाद आपको उसको डिवाइड करना है बाय 2 फैक्टोरियल। आपको समझ में आ गया? तो अभी हम लोग लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 और 3, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 और 2 कट गया, ये जो 2 है यहाँ पे 2, तो हमारा वैल्यू आ गया 10, ठीक है। अभी देखेंगे विद जीरो, जीरो के साथ कैसे होता है। तो यहाँ पे बेसिकली विद जीरो फॉर्मूला नहीं लगता है, NPR नहीं लगता है, हम लोग उसको अज्यूम करके क्या बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है यूजिंग फॉर्म्ड यूजिंग 0, 1, 2, 3, तो n इज इक्वल टू 4 है और 4 डिजिट नंबर r इज इक्वल टू भी 4 है। तो आप जब NPR, मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ क्यों फॉर्मूला यूज करके नहीं हो रहा है। तो NPR अगर आप लगाते हैं 4P4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24। तो अभी हम लोग मतलब मैं लॉजिकली समझाती हूँ, ये आपके लिए सही है कि नहीं। तो 4 डिजिट नंबर मतलब 4 प्लेस है, राइट? तो क्या एक 4 डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर 0 से वो नंबर स्टार्ट हो रहा है तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। तो इस प्लेस में हमारे लिए या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, राइट? क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन इस प्लेस में क्या होगा? इस प्लेस में आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 हो सकता है, उसी तरह यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3 हो सकता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे फर्स्ट जगह पे 1 लिया है, ठीक है। तो
तो फर्स्ट प्लेस में वन लिया है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू है, यहाँ पे भी नहीं, वैसे नहीं करेंगे। पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट प्लेस पे 1, उसी तरह 1 चला गया तो सेकंड प्लेस में 0, 2, 3 से कुछ भी हो सकता है, थर्ड प्लेस में यहाँ पे अगर 0 लिए हैं तो 2, 3 होगा, उसी तरह यहाँ पे भी 0, 2, 3 से कुछ भी होगा, उसी तरह यहाँ पे 0, 2, 3 से कुछ भी होगा। तो 1 फिक्स है, लेकिन अदर 3 नंबर्स आर गेटिंग रिपीटेड और अदर 3 नंबर्स आर गेटिंग चेंज्ड। आप समझ रहे हैं ना, मतलब मान लीजिए एक 4-डिजिट नंबर है जिसके इनिशियल में 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो बाकी के प्लेसेस में क्या होगा, मेरा वही क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 हो सकता है, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 3, 3, 3, 3, 3-3 वैल्यू है, तो इसको हम लोग अगर 3 फैक्टोरियल लिख देंगे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर 3 जगह पे कितने बार मतलब रिपीट हो रहे हैं उसके लिए इजिएस्ट आंसर है 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 नंबर को ही हम लोग डिफरेंट प्लेसेस में डाल रहे हैं। मान लीजिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो उसी तरह सेम 0, 1, 3 यहाँ पे रिपीट होगा, 0, 1, 3 यहाँ पे, 0, 1, 3, तो सेम 3 नंबर ही रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। उसी तरह 3 भी अगर लेते हैं तो 0, 2, 1 और 0, 1, 2, 0, 1, 2 3 बार ऐसे रिपीट होगा तो वो भी 3 फैक्टोरियल होगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 है, 6+6+6 इक्वल टू 18, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से 24, तो ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये टोटली रॉन्ग है, हमारा आंसर है 18।